सुप्रीम कोर्ट ने तीनों ही कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगा दी है। अदालत ने सरकार किसान संगठनों के बीच में विवाद निपटाने के लिए जिस कमेटी का गठन किया उस पर भी अब राड़ छिड़ गई है। जी हां, किसान संगठनों का आरोप है कि कमेटी में शामिल चारों लोग पूर्व में कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। कमेटी पर छिड़ी राड़ के बीच किसानों ने अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कह दी है। लोहड़ी के मौके पर किसान संगठनों के द्वारा कृषि कानून की प्रतियां जलाई जाएगी, साथ ही 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन शांति से ट्रैक्टर रैली निकालने की बात उन्होंने कबूल की है। हालांकि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी किसानों को नोटिस थमाया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से किसानों का पुरजोर समर्थन किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित कमेटी की आलोचना की गई है। कांग्रेस ने किसानों की ट्रैक्टर रैली के समर्थन का भी ऐलान कर दिया है। तो देखिए, 49वां दिन है आज, 50 दिन लगभग यहां पर देश में कृषि कानूनों के विरोध में जो आंदोलन जारी है किसानों का, वो यहां पर बीत चुका है। पूरे देश भर से अन्नदाता जो है वो सड़कों पर हैं और लगातार मांग एक ही है कि तीनों जो कृषि कानून हैं उन्हें वापस लिया जाए, लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं अपने फैसले पर अड़िग नजर आ रही है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए फिलहाल के लिए स्टे लगा दिया है जो कृषि कानून है, लेकिन साथ ही में इस बाबत जो एक कमेटी गठित की गई है अब उस पर भी राड़ छिड़ गई है। दरअसल एक 4 सदस्यीय जो कमेटी है वो इस मामले को देखने के लिए और आपसी समझौते के लिए गठित की गई है, लेकिन किसानों का कहना है कि जो 4 कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं पहले इस किसान आंदोलन के बारे में गलत बातें भी कर चुके हैं और कहीं ना कहीं कृषि कानून जो है उनको अपना समर्थन पहले दे चुके हैं, तो ऐसे में एक निष्पक्ष न्याय की उम्मीद उनसे नहीं की जा सकती। चलिए अधिक अपडेट के साथ सहयोगी प्रीत किरण इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ के। प्रीत, देखिए 49वां दिन आज है, लगभग 50 दिन बीत चुके हैं और इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, कानूनों पर स्टे लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं किसान अभी भी असंतुष्ट है उस कमेटी से जो 4 सदस्य बनाई गई है और रार यहां पर छिड़ चुकी है पूरी तरीके से। क्या फिलहाल पूरी अपडेट प्रीत? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार किसान पहले से ये मांग कर रहे थे कि जो कोई भी फैसला, कोई भी नतीजा निकले वो केंद्र की ओर से निकले, क्योंकि केंद्र हमें जिस पार्टी को किसानों ने वोट देके जिता करके भेजा है उसी को ये समाधान निकालना होगा। सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख नहीं करना चाहते थे किसान, ऐसे में अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करते हुए केंद्र सरकार से ये कहा है कि बातचीत से अगर कोई हल नहीं निकल रहा है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को ही पहल करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है, कमेटी बातचीत करेगी किसानों से भी और केंद्र सरकार से भी और बीच का कोई रास्ता निकाले जाने का प्रयास किया जाएगा। जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार मांग कर रही है किसानों से कि बीच का रास्ता निकाला जाए, रोल बैक ना किया जाए कानून को, हालांकि उस समय के लिए जो कानून है उससे सुप्रीम कोर्ट ने रोक जरूर लगा दी है, लेकिन अभी तक फिलहाल रोल बैक किया जाएगा या नहीं ये कमेटी जो रिपोर्ट सौंपेगी सुप्रीम कोर्ट को उससे ये पूरी तरीके से निर्भर करेगा। किसानों को जो 4 सदस्यीय कमेटी है उस पर भरोसा नहीं है। किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो कमेटी के सदस्य है कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं है, वो कहीं ना कहीं जो है केंद्र सरकार के समर्थन में रहे हैं। जिस तरीके से 3 जो सदस्य हैं वो खुल के आर्टिकल्स लिख चुके हैं, बिल्कुल जो किसान बिल है उसको, जो कानून बनाया उसको लेकर के, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से निष्पक्ष कमेटी नहीं बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। जिस तरीके से किसानों का आरोप है यही वजह है, किसान कह रहे हैं कि हम धरने पर बैठे रहेंगे, इस तरीके का प्रदर्शन होता रहेगा। 26 जनवरी को जिस तरीके से किसान ट्रैक्टर रैली निकालने वाले थे वो बदस्तूर जारी रहेगी, किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं आएगा। प्रीत, इसके अलावा आज पूरे देश भर में लोहड़ी का जो त्यौहार है वो मनाया जा रहा है और अधिकांश जो संख्या यहाँ है, देखिए कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ था वो कहीं ना कहीं हरियाणा पंजाब से शुरू हुआ था। पंजाब एक बड़ा तबका यहाँ पर सिख और पंजाबी किसानों का, वो आज त्यौहार मनाएंगे, लेकिन त्यौहार मनाने का जो रंग है वो इस बार बिल्कुल अलग होगा। प्रीत, यहाँ पर जो प्रतिकॉपी है कृषि कानून की उसको जला करके त्यौहार मनाएंगे लोहड़ी का? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले काफी दिनों से किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो तीनों कानूनों की कॉपी है उसको जलाया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा जो है उसने इस आंदोलन की घोषणा की है, उनकी तरफ से ही यही कहा गया था 18 जनवरी को किसान इस तरीके से दिवस मनाएंगे
और गुरु गोविंद सिंह के शपथ जो है जो ली थी उसको भी याद करेंगे। जी तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो तमाम किसान है वो जो कानून है उन प्रतियों की कॉपी जलाएंगे, लोहड़ी मनाएंगे, क्योंकि पंजाब में हरियाणा में लोहड़ी का जो त्योहार है वो काफी ज्यादा मनाया जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पे हैं, तो वो जहाँ बॉर्डर पे एक तरीके का ये सांकेतिक प्रदर्शन भी है और त्यौहार भी मनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रदर्शन ही है एक तरीके से, कि जो कॉपियां हैं उनको जलाया जाएगा, पूरी तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का बीच में इंटरव्यू हुआ लेकिन बावजूद इसके किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। प्रीत, लगभग 50 दिन बीत चुके हैं, अभी भी कहीं कोई सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। क्या लगता है आगे जाकर कहां पर ये जो गति है वो रुकने वाली है? सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को भी नोटिस थमाया है। जी बिल्कुल, कोई सहमति नहीं बन रही है। हालांकि अब केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें जो 4 सदस्यीय कमेटी है उसी को फैसला करना है कि क्या कुछ रिपोर्ट जो सदस्य हैं किसानों से बात करेंगे, उसके पास सौंपेंगे, उसके बाद क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेती है। क्योंकि किसान जिस तरीके से उम्मीद ये लगाए बैठे थे कि केंद्र सरकार की ओर से कोई फैसला आएगा और उसके बाद ही कुछ हो पाएगा, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से बातचीत से कुछ बात नहीं बन रही है। ऐसे में पूरी तरीके से जो कमेटी है उनकी रिपोर्ट क्या कुछ रहेगी और क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है उस कमेटी की को लेकर वो पूरी तरीके से देखने लायक होगा। क्योंकि प्रमोद कुमार जोशी जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान में रह चुके हैं, उनको भी लेके किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो बायस रुख अपनाए हुए हैं। अशोक गुलाटी जो की कमेटी में शामिल है, कृषि शास्त्री रह चुकी है, उनको लेके भी किसानों की तरफ से यही कमेंट्स आ रहे हैं। हालांकि विपक्षी दल जो कांग्रेस पार्टी है उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जो कमेटी बनाई है पूरी तरीके से बीजेपी को लेकर, केंद्र सरकार को लेकर बायस है। जी चलिए प्रीत, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए।